स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू द बेस में। आज का अपना टॉपिक टेंथ क्लास के लिए है, तो वैसे ही वो प्लस टू क्लास में भी मैग्नेटिक फील्ड एक छोटी चीज है। फील्ड क्यों याद रहे? फील्ड आप ही तो अपनी भाषा में जब कोई अपने को पूछने लायक जाए, फील्ड मैंने खेत, और मारे खेत में मारी मर्जी कोई जाड़े पाड़े तो पाड़े ना भी पाड़े दिया, तो आड़े मैग्नेट की खेत से मैग्नेट की मर्जी, मैग्नेट की सेना आन भी दे और ना भी आन दे। जिस एरिया में मैग्नेट फोर्स लगा दे, दूसरे तीन मुंह कह दे सर बंद कर मेरे खेत में, कह फिर नु कह दे आ जा भाई बैठ जाओ का पीवांगे फिर जाइए आगन, अपनी मर्जी चल रहे। उस एरिया ना भी नाम देवांगे मैग्नेटिक फील्ड। जो कर एक मैग्नेट है अपना, मैग्नेट के कितने पोल होया करें? दो, एक नॉर्थ एक साउथ। यो मैग्नेट है, इसको चूकर अगर आप बारीक लो चून बारीक पीस देवा और वो खंड आ जावा चूगर, तो यो तो चुंबक है, यो उस लोह ने क्या करेगा? खींचेगा, अपना गला चेप लेगा, और चेपेगा तो वही चुपकर चेपेंगे न्यू चेपेंगे। इस तरह जो किनारे हैं इनका दौर तो गणा लो आ चेपेगा, और बीच में कम, ये जो लोह के चून ने इस तरह के सर्कल है बना दिए, करव बना दिए, इन करव ने नाम दिया करा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वे इमेजनरी करव जो एक मैग्नेटिक फील्ड ने रिप्रेजेंट करे, उन करव ने के नाम दिया करा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी इमेजनरी है भाई, दूसरी प्रॉपर्टी अगर इस लाइन का कहीं भी टेंजेंट खींच दी तो टेंजेंट देगी आप इन गिव डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर आप इस जगह पे इसकी टेंजेंट खींच दे वहां या तो यह डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, आड़े ही खींच दी तो यह होगी मैग्नेटिक फील्ड, आड़े ही खींच दी टेंजेंट तो यह होगी मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंट कितने खींच दो कह रहे होगी इसकी डायरेक्शन। अगली तीसरी बात, चुंबक का नजदीक देखोगे तो ये ज्यादा है, और दूर जाने जाओगे तो क्यों भी जाओगी कम। तो डेंसिटी है, जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस या डिक्रीज होती जाओगी, क्योंकि एज वी गो फार फ्रॉम मैग्नेट, जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते जावांगे, और जितनी कम फील्ड लाइंस या जो डेंसिटी है ना फील्ड लाइंस की, या बताओगी स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड का मतलब क्या है भाई? फील्ड की ताकत, कितना खींच सका है वो। अपने खेत में पी एक कंथारा पहो और अपने खेत का दोरों को जानता हो, कोई अरा रुका मारा आ जा रहे हैं बेच देता आप ही लिए, एक आप ही डोरों पर खड़े हर अपने दोरों का जा हर आप ही बाप पकड़ के नुको आ जा बेच देता आप ही ले, यो ही फर्क है इन दोनों में। नेड़े होगा गड़ा फोर्स लगावांगे बेच जा भाई साथ पी के जाइए, दूर होगा फॉर्मलिटी है डटे तो डटे ना भी डटे भी जाने, तो वो जो स्ट्रेंथ है वाकई होती जाओगी कम। अगली जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये नॉर्थ पोल तो शुरू है अगर और साउथ पोल में खत्म, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन हवा या रहोगी नॉर्थ है साउथ,
लेकिन मैग्नेट से भीतर साउथ पोल तो शुरू होंगी और नॉर्थ पोल तो खत्म होंगी। ये मैग्नेट का है बाहर और यो मैग्नेट का है भीतर, ठीक है। बार नॉर्थ तो साउथ, भीतर साउथ है नॉर्थ, इसका मतलब तो ये जुड़गी, जुड़गी तो क्या बनाऊंगी, ये क्लोज लूप, क्या बनाऊंगी ये क्लोज्ड लूप। और ये जो क्लोज लूप है ये कंटिन्यूस होया करे, कंटिन्यूस का मतलब लगातार, लगातार का मतलब इसके बीच में कितने भी कट नहीं पाओगा, यू नहीं पाओगा कि भाई यार फील्ड लाइन चाली आ रही थी आ गई फिर मिस्टर इंडिया बन गई तनिक गायब होगी फिर आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मिस्टर इंडिया की घड़ी को नहीं कदोर है आज नहीं, सब तो इंपॉर्टेंट। कोई भी दो फील्ड लाइन नो टू फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, दो फील्ड लाइन है एक या एक या, इंटरसेक्ट करगी तो इसकी तो टेंजेंट होगी या इसकी टेंजेंट होगी या, एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन कितनी दो, जो के है इम्पोसिबल है, और इम्पोसिबल है तो आप ही के कमांगे कि सा तो हो ही नहीं सकता। एक यो प्रश्न था अपना, इसमें यह सब तय इंपॉर्टेंट है कि कोई भी दो लाइन एक दूसरे ने इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि जिस जगह पर इंटरसेक्ट करा उस जगह पर डायरेक्शन कितनी बन गई दो, और एक की जगह पर एक की चीज और दो डायरेक्शन में चलनी इम्पोसिबल है। दारू पिए और अभी एक डायरेक्शन में चल रहा है, कह तो अगन चलेगा कह पाथन और कह नू, वो भी दो डायरेक्शन में नहीं चलेगा, तो ये के दारू पी रही ठीक ठाक तो एक के डायरेक्शन में चल सके। तो आप कह सका कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आज खतरा रहे, फिर मिला हाँ, जुड़े रहिए।